हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, हम बात करने वाले यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के। यहाँ बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की, जिसमें ये आपका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का ये टाइप नंबर आपका 5th है और ये पार्ट नंबर 21 है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का। तो आप सभी इस पार्ट को 20 तक पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट करें और आसानी से सभी वीडियो को देखें। दोस्त, आज है 26 जनवरी, तो सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्त, अगर आप हमें विश करना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें जय हिंद आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप विश करना चाहते हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखें। एक बात कहना चाहेंगे दोस्त, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे फोकस मोटिवेशन न्यूज चैनल का है। वहां पर आपको सभी को मोटिवेट करने के लिए हमारे ये आपको इसी न्यू ईयर अर्थात 1 जनवरी को चैनल क्रिएट किया गया है, तो आप सभी 1 से 2 वीडियो वहां पर प्रोवाइड भी कराया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक बार चेकआउट करें। आज उस चैनल पर भी आपको इस 26 जनवरी के पर्व पर आपको एक वीडियो आएगी, तो आप एक बार चेकआउट करें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो आइए दोस्त, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप बात करेंगे टाइप नंबर 5th का पहला क्वेश्चन। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको मानना होता है, अगर आपको दिया है जैसे इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, ओके। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, आपको लिखना होगा माना साइन एक्स इक्वल टू, अभी हम आपको बताएंगे हमने साइन एक्स को ही क्यों माना टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। अब आपने साइन एक्स टी माना क्यों दोस्त, यहाँ पर अगर आप साइन एक्स को टी मानते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स डी टी, ओके। मतलब आप देख रहे हैं अगर हम कॉस एक्स डी एक्स जो ऊपर है आपका इसके स्थान पर डी टी हो जाएगा और यहाँ पर साइन एक्स के जगह पर टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, तो सिंपली ये पूरा टी में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉस एक्स को सोचते हैं टी मानने को, तो ये टी मानेंगे तो ना ही साइन एक्स कैंसिल होगा ना हटेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें जो आपका नीचे हर में दिया रहता है, ये ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं, तो नीचे वाला जो है उसको आपको टी मानना है और उसके बाद वो कैंसिल होगा और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हमने इसको टी माना, अब यहाँ पर आंशिक भिन्न देखिए अब कैसे बनता है। तो जैसे ही आप टी मानेंगे तो इसका रूप देखिए एक चेंज हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी टी, ध्यान दीजिए ये साइन एक्स कॉस एक्स जो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये आपको ऊपर दिख रही है, साइन एक्स हो गया ये डी एक्स हो गया, कॉस एक्स और डी एक्स हो गया ये हो गया डी टी, तो हमने डी टी लिख दिया, ओके। आगे क्या होगा, आगे दोस्त यहाँ हो जाएगा आपका टी माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा टी माइनस 3, टी माइनस 1 टी माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप दोस्त ये होगा कि आपको यहाँ पर से आपको आंशिक भिन्न का रूल लगाना है, ठीक है। तो आइए आंशिक भिन्न कैसे लगाएंगे, आंशिक भिन्न समझिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे एक बार आप लिखना है आपको 1 अपॉन टी माइनस 1 1 अपॉन टी माइनस 3, ओके। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है तो हम लिखेंगे a अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी माइनस 3, ओके। इतना आप लिखेंगे a अपॉन टी माइनस 1 बी अपॉन टी माइनस 3। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंगे आप एलसीएम, आप जब एलसीएम लेंगे इधर देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा अर्थात ए इंटू टी माइनस 3 होगा प्लस बी इंटू टी माइनस 1 होगा, ओके। इतना होने के बाद आगे क्या होगा, यहाँ पर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा दोस्त ए टी माइनस 3 ए, ओके। और यहाँ पर आपका हो जाएगा बी टी माइनस बी, इतना आपका होने के बाद अगला क्या होगा और इक्वल कितना आएगा, इक्वल आपका 1 होगा, ये जो आपका दिख रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये आपका बन चुका है, हम यहाँ पर एरो मार दे रहे हैं, तो आपका 1 इक्वल टू इतना आ गया। अब आपको इसको तुलना करेंगे तो ए ये जो टी का पार्ट है तो हमने आपको अच्छे से बताया ये सब चीज, तो आपको लिख देना है अब ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 0 और एक आ जाएगा आपका माइनस 3 ए माइनस बी इक्वल टू कितना 1। अब क्यों, टी का पार्ट इधर क्या नहीं है इसलिए हमने 0 किया, इधर आपका पार्ट है 1 तो इसलिए हमने 1 लिखा, ठीक है, माइनस 3 ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। अब इन्हों को सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम ए प्लस बी इक्वल 0 और लिखते हैं माइनस 3 ए
माइनस बी इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, बिल्कुल ये बी भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये घटेगा तो आपका माइनस होगा, तो माइनस टू ए आएगा, ध्यान दीजिए माइनस टू ए आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा वन आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा दोस्त, ए का मान आपका आ जाएगा माइनस वन बाई टू, देखिए, ठीक है। और b का मान कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए अगर आपका a का मान माइनस वन बाई टू है, a का मान, तो ये a का मान या इधर जाएगा तो b का मान आपका आ जाएगा इस पक्षांतर इस साइड जाएगा तो प्लस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया प्लस वन बाई टू, तो a का मान आपने निकाला माइनस वन बाई टू, बी का मान आपने निकाला प्लस वन बाई टू, ठीक है। इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने आपको क्या बताया है, इन्हीं a और b के वैल्यू को जो आपने यहाँ पर इसको तोड़ा है आंसर भिन्न है उसी में पुटअप करना है। आंसर क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन आपका ये था कॉस एक्स डी एक्स अपान साइन एक्स माइनस वन, और ये आपका साइन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल टू। अब ए की वैल्यू आपकी कितनी दोस्त आपने रखा माइनस वन बाई टू, और लिखेंगे आप कहाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल यहाँ पर डी टी अपान टी माइनस वन, और यहाँ पर लिख देंगे आप प्लस वन बाई टू डी टी अपान टी माइनस थ्री, ओके। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आप यहाँ सिंपल, आपको फार्मूला दोस्त पता है वन बाई टी का क्या होता है लॉग टी माइनस वन, और इसका हो जाएगा लॉग टी माइनस थ्री, और इसके बाद आपको लेना है उसमें से 1 बाई टू कॉमन, और दोस्त ये हो जाएगा लॉग ये m और माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m अपान n, मतलब लॉग t माइनस थ्री अपान t माइनस वन होगा, और इसका आप जब t का मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर लॉग, हो सकता है आपको क्लियर दोस्त समझ में इसका अब दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना लॉग, और t का मान आपने माना था क्या साइन एक्स को t माना था, तो सिंपली आप रखेंगे यहाँ पर साइन एक्स माइनस थ्री अपान साइन एक्स माइनस वन, और लास्ट में क्या करेंगे प्लस c, तो ये आपका जो आया आंसर ये कंप्लीट आंसर आ चुका है, ये जो आपका आंसर आया ये कंप्लीट आंसर आ चुका है, ठीक है। वन बाई टू लॉग साइन एक्स माइनस थ्री, देख लीजिए आप साइन एक्स माइनस थ्री और अपान में साइन एक्स माइनस वन प्लस सी, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए इसी प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन को लगाते चलना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको हो सकता है ये क्वेश्चन नॉर्मल लगा हो दोस्त, देखिए जब बेस से आप चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में गलती बिल्कुल आपसे नहीं होगी, इसीलिए आपको छोटे से बड़े क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये टाइप नंबर का उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बताइए sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान वन प्लस टेन एक्स। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में मेन चीज यही होता है दोस्त कि आप t किसको मानते हैं, अगर आपको t मानना आ गया तो आप क्वेश्चन सभी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समाकलन का बहुत सा पार्ट आपको t पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आएगा और सॉल्व कर सकेंगे। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं sec स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन एक्स इंटू टू प्लस टेन एक्स, ये दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे आपको सिंपल दोस्त दिख रहा है, आपको हमने फार्मूला बताया टेन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर हम टेन एक्स को टी मान लेते हैं तो क्या sec स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, बिल्कुल। आपको यहाँ पर लिखना होगा माना टेन एक्स इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो आपको हो जाएगा कितना sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ओके। इतना होने के बाद आपका ये क्लोज, अब इतना आ गया, अब आपको क्या करना है इसको चेंज हो जाएगा, क्या होगा फार्मूला आपका यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर जैसे लिखेंगे sec स्क्वायर x, ध्यान दीजिए sec स्क्वायर x dx के यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे dt, क्या लिखेंगे dt, और अपान में हो जाएगा 1 प्लस टी और इंटू में हो जाएगा 2 प्लस टी, ओके। इतना होने के बाद dt अपान 1 प्लस टी और a प्लस टी अपान वन प्लस टी इंटू टू प्लस टी, अब इसी को हमको आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर आंशिक भिन्न के फॉर्म में पहले लिखते हैं वन प्लस टी टू प्लस टी, अब इसको हम आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे वही सिंपल पुराना ए अपान वन प्लस टी प्लस बी अपान टू प्लस टी, ओके। इतना तोड़ने के बाद अगला स्टेप ये होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इंटू टू प्लस टी और बी इंटू वन प्लस टी, ओके। अगला स्टेप दोस्त ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a होगा और ये आपका होगा कितना at प्लस b
बी टी, ओके। और इधर कितना होगा, वन, क्योंकि इधर कोई टी का पार्ट नहीं है या कोई आपको सिंपल वन दिया, तो इसलिए आपको वन ही लिखना होगा। नेक्स्ट आगे क्या होगा दोस्त, अब आपको यहाँ पर तुलना करेंगे तो आपका यहाँ पर ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी इक्वल आएगा 0, टी वाला पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा आएगा 2a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, क्यों, चूंकि इधर 1 आपका पार्ट है। हो सकता है आपको दिखा ना हो दोस्त, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, अब आपका ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2, दो अननोन, दो इक्वेशन, आसानी से ए और बी के मान आपके आ जाएंगे। तो ए और बी के मान कैसे निकालेंगे, सिंपल आप लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल 0, और यहाँ लिखेंगे आप 2a प्लस बी इक्वल 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप निगेटिव करिए, ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्त माइनस ए इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ये भी माइनस वन होगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आपका सिंपल वन आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा वन, ठीक है, ए का मान कितना आ गया वन आ गया। अब इसी प्रकार आप बी का मान देखेंगे तो बी का मान कितना आएगा, वो माइनस वन आएगा। अब आप देख लीजिए हमने माइनस बी क्यों लिखा, देख लीजिए, अगर आपका माइनस वन रहेगा तो दोस्त इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन, ठीक है, ए का मान क्या है वन है, और इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो बी का मान कितना जाएगा माइनस वन। अब इसी ए और बी के मान को क्या करना है, सिंपल से यहां पर आपको पुटअप करना है। तो हमको हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये था सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान वन प्लस टेन एक्स, और यहां है आपका टू प्लस टेन एक्स, ठीक है, और इसका मान आपको निकालना है। तो ए का मान आप जब रखेंगे तो आपका वन है, तो सिंपल आपका हो जाएगा कितना डी टी अपान वन प्लस टी, और यहाँ पर आपका इसका मान माइनस वन है, तो ये माइनस यहाँ पर हो गया, और ये आपका डी टी अपान टू प्लस टी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्त लॉग वन प्लस टी, और ये हो जाएगा आपका लॉग टू प्लस टी। इतना कंप्लीट देख लीजिए आप, इतना कंप्लीट आपका हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं, आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका दोस्त लॉग वन प्लस टी अपान टू प्लस टी, ठीक है, लॉग वन प्लस टी अपान टू प्लस टी, प्लस क्या होगा सी, प्लस क्या होगा सी। अब अगला स्टेप ये है कि आप यहाँ पर टी के मान को रख दीजिए, तो जैसे ही रखेंगे आप तो हो जाएगा वन प्लस क्या होगा वन प्लस टेन एक्स, चूंकि हमने टी किसको माना था टेन एक्स को, तो वन प्लस टेन एक्स अपॉन टू प्लस टेन एक्स, और प्लस में क्या होगा सी। ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है, ये आपका कंप्लीट इसका आंसर आ चुका है, देख लीजिए आप, ठीक है, लॉग वन प्लस टेन एक्स अपॉन टू प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। तो आपको इस टाइप से टी मान के इन टाइप के क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है देख लेते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया है, क्वेश्चन तीसरा ये है दोस्त कि आपको दिया गया है ex dx अपान e की पावर कितना दोस्त 2x e की पावर x प्लस 3, ठीक है, और यहां पर दोस्त ये 4 भी है, ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए प्लस 4 ex प्लस 3 है और dx हो गया, ठीक है। अब अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको t मानना होगा, तो सिंपल यहाँ पर हम लिखते हैं माना ex इक्वल टू t। अब आप कहेंगे ex इक्वल टू क्यों t मान रहे हैं, तो दोस्त सिंपल सी बात है, अगर आप ex का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ex ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ex का डिफरेंशिएशन जब इसका करते हैं तो ये होगा ex dx इक्वल टू dt, तो ऊपर क्या हो रहा है ex dx और ऊपर क्या है ex dx, तो इस पर dt रख देंगे और इस पर t रख देंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा ऊपर dt और नीचे हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पर गलती आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपका क्या होगा ये टी स्क्वायर होगा और ये आपका 4t होगा, ये प्लस 3 होगा, ठीक है, देख लीजिए क्यों दोस्त, ये आपका e की पावर 2x है, तो e की पावर x का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर 4t प्लस 3, ओके। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो एक स्टेप लेकिन और लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको क्या कर सकते हैं dt अपान, इसको आप दो भागों में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं दोस्त, अगर आप देखिए तो इसको लिख सकते हैं आप टी प्लस 1 और टी प्लस 3, ध्यान से देखिए, अगर हम आंशिक भिन्न को इसको तोड़ते हैं तो आपका होता है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस टी प्लस 3, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर टी, बिल्कुल करेक्ट, आपका आंशिक भिन्न तोड़ने पर यही आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न नहीं दोस्त, इसको मतलब आपको गुणनखंड में जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। अब इसको आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए सिंपल आप लिखते हैं टी प्लस 1
टी प्लस थ्री। ओके, अगला स्टेप यहां पर ये होगा, आप लिखेंगे ए अपान टी प्लस वन, बी अपान टी प्लस थ्री। तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए टी। ओके, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, प्लस थ्री ए, और यहां हो जाएगा आपका बी टी प्लस बी। इतना होने के बाद इधर क्या होगा आपका, इक्वल होगा, इधर इक्वल क्या होगा, वन होगा, वन। ये आपका जो है वन लिख जाएगा। अब यहां पर तुलना करेंगे तो एक आपका आ जाएगा कितना, एक आ जाएगा आपका ए प्लस बी इक्वल जीरो, और दूसरा आपका आएगा थ्री ए प्लस बी इक्वल कितना, थ्री ए प्लस बी इक्वल कितना आएगा दोस्त, वन। ठीक है, तो आपका ये आ गया इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अब इसी को दोनों करते हैं सॉल्व। तो सिंपल देखिए, मैं किस स्टेप आपको इसीलिए लगाते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा थ्री ए प्लस बी इक्वल टू कितना, वन। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्त माइनस टू ए। ठीक है, यहाँ माइनस टू आएगा और यहाँ माइनस वन, तो ए का मान कितना आ गया, वन बाई टू आ गया। इसी प्रकार बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू। ठीक है, क्योंकि ए का मान जब वन बाई टू है तो इधर रखेंगे तो आप वन बाई टू, तो उधर जाएगा तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ये ए का मान हो गया और ये आपके बी का मान हो गया। तो हमने देखा ए और बी का मान आपका आ गया, ये वन है। ठीक है दोस्त, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका वन है, वन बाई टू है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस वन बाई टू है। इतना करने के बाद अब आपको ए और बी के मान सिंपल यहाँ पर पुटअप करना है। क्वेश्चन ये था आपका, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था एक्स डी एक्स अपान ई के पावर टू एक्स प्लस फोर ई एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये ए का मान आप यहाँ रखेंगे वन बाई टू, और यहाँ पर आप रखेंगे कितना डी टी अपान टी प्लस वन। यहाँ आप रखेंगे दोस्त कितना, वन बाई टू डी टी अपान कितना टी प्लस थ्री। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ हो जाएगा वन बाई टू लॉग टी प्लस वन, वन बाई टू लॉग टी प्लस थ्री। ओके, वन बाई टू आपका हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा आपका दोस्त लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री, और प्लस क्या सी। कंप्लीट आप देख लीजिए, आपका कुछ नहीं किया गया था, यहाँ पर वन बाई टी था तो हमने इसको लॉग टी लिखा, इसको भी लॉग टी लिखा, वन बाई टू कॉमन लिया, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला ये होता है सिंपल आपका वन बाई टू। अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे, टी हमने किसको माना था, ई की पावर एक्स को, तो आपका आंसर आ जाएगा वन बाई टू लॉग ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस थ्री। ये आपका आंसर आ गया, और प्लस क्या होगा सी होगा, प्लस क्या होगा सी होगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, वन बाई टू लॉग ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई एक्स प्लस थ्री बाई टू, ये आपका प्लस सी आपका ये कंप्लीट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको इन क्वेश्चनों को पुटअप करना है और यहाँ पर लगाना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्त आप एक बार अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो हमारे फोकस मोटिवेशन का डिस्क्रिप्शन में ही जस्ट नीचे लिंक दिया है, एक बार चेकआउट करें और अपना प्यार वहाँ पर दें जरूर। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।